हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इनवर्टिबल मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इज, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए विच इज डिनोटेड बाय ए पावर माइनस वन और वी कैन से ए इनवर्स एंड इन दैट केस ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा बचपन के रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 7 और एक और नंबर है 1/7 सच दैट इनकी प्रोडक्ट जो है दैट मीन 7 × 1/7 वो है 1 के इक्वल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 7 इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1/7 इनवर्स इज इक्वल टू 7। अब सेम केस यहां पे अप्लाई होता है कि सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहां पे हमने ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ली है, 2 rows 2 columns दैट मीन्स 2/2। अब एक और मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की दैट इज बी, तो वो मैट्रिक्स हमने लिया है 3 − 8 − 1 − 3। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं ए बी, तो ए मैट्रिक्स एज इट इज, ये बी मैट्रिक्स एज इट इज। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दिस केस 3 × 3 + 8 × −1। तो अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 3 × −8 + 8 × 3। अब इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1 × 3 + 3 × −1। इसी तरह अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × −8 + 3 × 3। तो इस तरह इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ए बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए बी इज इक्वल टू 9 − 8 − 24 + 24, ये यहां से आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके 3 − 3 और इसको सिंप्लीफाई करके −8 + 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 − 8 इज इक्वल टू 1 − 24 + 24 दैट विल बी इक्वल टू 0, 3 − 3 दैट इज इक्वल टू 0, −8 + 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अब हम बी ए निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स इज 3 − 8 − 1 − 3, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स को यहां पे लिख लेते हैं तो सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम से, तो यहां पे आ जाएगा 3 × 3 + −8 × 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 3 × 8 + −8 × 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट एलिमेंट विल बी −1 × 3 + 3 × 1। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी −1 × 8 + 3 × 3। तो इस तरह इस बी ए मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 9 − 8 यहां से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 3 = 24 − 24, इसको सॉल्व करेंगे तो −3 + 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो −8 + 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 − 8 = 1, 24 − 24 दैट इज इक्वल टू 0, −3 + 3 दैट इज इक्वल टू 0, −8 + 9 दैट इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑर्डर 2 की। तो इस तरह हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दिस केस। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और साथ ही साथ बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर बी इज इनवर्स ऑफ ए तो ए भी बी का इनवर्स होगा। तो इस तरह हमने देखा कि जैसे रियल नंबर सिस्टम में कोई नंबर है 7 और एक और नंबर 1/7 एग्जिस्ट करता है कि सच दैट 7 × 1/7 1 के बराबर है
और 1/7 × 7 वो भी 1 के बराबर है, तो वी कैन से कि 7 inverse is equal to 1/7 एंड 1/7 inverse is equal to 7। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स ए और एक और स्केयर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इन दैट केस ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें और ध्यान देने वाली हैं, एक कि अगर यहां पे स्केयर मैट्रिक्स ना होके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तब क्या होगा, दूसरा क्या हरेक मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, क्या हरेक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो पहले केस को डिस्कस करते हैं कि अगर स्केयर मैट्रिक्स ना हो और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तब क्या होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेसेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट्स बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3 एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2। तो इन दैट केस ए बी मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2×2। सिमिलरली बी इज ऑफ ऑर्डर 3×2 एंड ए इज ऑफ ऑर्डर 2×3, सो इन दैट केस बी ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3×3। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट यहां पर क्या ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। तो अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हरेक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो इसके लिए वापस फिर से रियल नंबर्स पे जाते हैं। तो क्या 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, नहीं। तो इसी तरह हरेक मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल नहीं है।